जोरदार तालियां इनको। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस फिल्म के अंदर इसने एक ऐसा सीन किया है, मैं बता सकता हूं रोहित साहब वो सीन के बारे में जो आपने देखा है? मतलब मैं दंग रह गया था कि इतना कमाल का सीन किया है। एंड आई हैव बिकम अ बिग फैन ऑफ कैटरीना कैफ एंड हर एक्टिंग टैलेंट। सो मतलब पहले नहीं था? नहीं पहले नहीं था, मैं झूठ बोलता ही नहीं। ये सीन के बाद? हाँ, ये सीन के बाद बना हूं। पहले मैं इनके हुस्न का था, अब मतलब शी हैज डन सो ब्रिलियंटली इन दिस फिल्म एंड आई हैट्स ऑफ टू हर। कि एक लड़की जिसको हिंदी का एक शब्द नहीं आता था इस इंडस्ट्री के अंदर आई और अपना आज मतलब सबसे बड़े बड़े हीरों के साथ ये काम करती है। जोरदार तालियां इनके लिए। सो कैटरीना जी, अब आप कुछ कहें। रणवीर, अब के ब्यूरी लिपस्टिक क्यों नहीं लगाते? प्रमोशन। मुझे पैसे निविया दे रहा है मैडम। जिस दिन के मेरा चिक काटेगा मैं के लगा लूंगा इसमें क्या। थैंक यू एवरीबॉडी, इट्स बीन an incredible journey on this film. To be a part of Sir's vision has just been, it's been really, really special. But I think we've all seen what incredible work he's done and how the trailers are absolutely amazing. But more than anything, I just want to say one thing about Rohit Sir here, that he's really, really, really one of the most incredible human beings that I've had the opportunity of working with. And it's been an absolute pleasure, sir, working with you. And all of Thank these you. Incredible Jaise voice bola, as bola. Well. And all of these boys as well, and to be working with Akshay again after a few years has also just been absolutely incredible. Sir, abhi Tana ji ke liye congratulations first of all. Thank you. Sir, uske baad aisi khabrein aa rahi thi ki aap Saif Ali Khan ji se kafi naraaz the, unke status. Uske ghar gaya, usko maine bahut mara, taange waange tod di uski, aajkal chal bhi nahi pa raha. Ye sab jo khabrein aapko milti, pata nahi kahan se milti hain. तो इसके बारे में मैं क्या कहूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ओके गाइस, रोहित या हेलो, लास्ट क्वेश्चन गाइस, रोहित रोहित या गाइस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये फिल्म हम लोग कह सकते हैं कि एक रीइन्वेंटेड रोहित शेट्टी हम लोग देख रहे हैं, जिसमें लॉजिक भी है, मैजिक भी है। और इसके अलावा एक सवाल और सबसे रहेगा कि होली भी नजदीक आ रही है, तो होली मिलन को लेके कोई ऐसी याद रही हो जहाँ गिले शिकवे दूर हुए अपनों से या गैरों से? कब है होली? दस को, दस दस मार्च, दस मार्च को, तो सबकी यादें हम लोग चाहेंगे। ये रीइन्वेंटेड रोहित शेट्टी है जो लॉजिक भी है, मैजिक भी है, ये सवाल मालूम नहीं मेरे को, तो पब्लिक बताएगी। हाँ, ना कौन सोचता है। और होली की कोई याद? मैं होली खेलते हैं सबसे हम सब निकलना है, दो दिन निकलता है, बहुत बेकार काम है। ये होली नहीं खेलते हैं, बचपन में थोड़ी बहुत खेलते थे, अब नहीं। रोहित अक्षय सर, आपसे क्वेश्चन है सर। इधर सर, महीने में सर एक वीडियो नहीं बनती यूट्यूब चैनल पे, सर आप साल में चार चार पिक्चर कैसे कर लेते हो सर? मतलब एक बच्चे को टिप्स दो ना सर। क्या टिप दूं, मतलब तू सोचता नहीं और क्या। तू कितने बजे सो के उठता है सर? सच्ची ऑनेस्टली वाला बताओ। ऑनेस्टली वाला सर, 12 बजे तक उठता हूँ सर मैं। ये 4 बजे उठता है, एक शिफ्ट खत्म हो जाती है 12 बजे तक। Genuinely. But sir, सोता भी लेट हूँ सर, इसलिए जब तक हम लोग उठते हैं या ये एक फिल्म खत्म कर चुका हूँ। और मैं पहले इसको बोला करता था कि पहले मैं जब मैं पहुँचता था, ये सुबह आया होता था जब हम पहले काम करते थे, तो मैं इसको एक ही चीज बोलता था, तो दूध वाला था क्या पहले? हाँ भाई बोलो। बोलिए अजय सर, बोलिए बोलिए। अच्छा, हम दोनों आज साथ में इसलिए हम दोनों एक चीज कहना चाहते हैं अपने अपने फैन क्लब्स को। लेटली हम आपस में बात करते रहते हैं कि हमारे जो फैंस हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं बहुत। तो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आपस में ना लड़ें। बीच में कौन पिस रहा है? साथ हैं, एक बीच में कौन पिस रहा है? रुक जा बेटे, मैं तो खेल ही नहीं रहा। अरे यार, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, तो बीच में घुस रहा है। तो प्लीज ना लड़े, हम लोग एक साथ हैं, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ आपस में जितने भी हमारे फैन क्लब्स हैं आपस में मिलके रहें और हम दोनों एक ही साथ हैं और ये फिल्म भी मिलके जुल के देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब मैडम पूछ लीजिए, मैडम कौन है, कहाँ है? कैन वी हैव द फोटो? हाँ मैडम पूछिए, मैडम जी क्या लॉट ऑफ पीपल नीचे से जाना, ठीक है बीच में से। हाँ पूछिए मैडम।
there are a lot of people, this is for Rohit. Rohit, there are a lot of people who believe that your film glorifies police brutality and encounter killings. Meri film? Haan. Kya galat sawal hai? What do you think police brutality rehta hai. And encounter killing, it's encouraging. Nahin, nahin, brutality hai hi nahi meri film. Haan, galat sawal. Ek bhi film nahi dekha, kuch aur dekh ke aaye tu. तीन हीरो एडजस्ट करते करते मतलब इतना बड़ा बन गया. देखो छोटा प्रमोशन है, मैं बिलीव नहीं करता कि 6-6, 8-8 महीना प्रमोशन चले. 21 दिन में फिल्म रिलीज हो जाएगी, सबको पता चलता है, तो क्यों प्रेशर लेना. तो इसलिए एक ही एक बड़ा प्रोमो है, अब सॉन्ग्स आएंगे तो वी थॉट के विल शो. और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहानी बताना बहुत जरूरी है कि क्या कहानी है क्या है, देन लेट द ऑडियंस डिसाइड. चीट नहीं करना चाहिए. हाँ ये फिल्म है, अब आप डिसाइड करो आपको देखने आना है या आपको नहीं. आपको पता है कि पहले इन्होंने 5.25 मिनट का बनाया था, फिर पीवीआर वालों ने कहा बेटे आप तो फिल्मों से भी लंबी बना रहे हो. तो बोला नहीं ऐसा मत करो.